हेलो गाइस, सत श्री अकाल, की हालचाल। तो आज आपके लिए नया ब्लॉग लेके आए हम, काफ़ी दिन बाद आए हैं तो ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग जो है बेसिकली हम कुछ स्पेशल लेके आए आपके लिए, जो हमने इतने टाइम से अपना जर्नी चल रही थी, सस्पेंस था। और जो हमारी जर्नी थी मैडम की, मेरी नहीं, मैडम की जर्नी थी कि इन्होंने जो चैलेंज लिया था कि मैं 90 डेज में वेट लॉस करूँगी। तो उस बारे में आज हमसे आपसे बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है और कितना हमारा वेट कम हुआ है नहीं हुआ। तो उसके रिगार्डिंग पहले हम मैडम से बात करते हैं क्या है क्या। मैम बताओ। मेरी जर्नी तो अच्छी रही है, मैंने वेट लूज़ किया है एक्चुअल तरीके से किया है। मैं कहीं जिम विम नहीं गई हूँ। जो लोग जिम जाके करते हैं 90 डेज में बहुत कर लेते हैं, मैंने वैसा नहीं किया है। मैंने सिर्फ नॉर्मल घर में एक्सरसाइज करके, नॉर्मल डाइट पे कंट्रोल करके, बाहर का बिल्कुल बंद करके, और जो मैंने बताया था आप लोगों को कि लास्ट की मैं नाइट का भी मैंने स्किप किया हुआ है, तो मैं वो सब चीज़ें करके मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है। तो वो आप भी कर सकते हो। तो बेसिकली कोई इतनी हैवी नहीं है। जो हाउस वाइफ्स है उनके लिए बेसिकली बहुत अच्छी है। तो हम जो वर्कआउट भी करते हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, वॉक भी नहीं कर सकते, घर पे काम करते हैं, तो उनके लिए जो है ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है कि हमने क्या कर रहे थे, क्या नहीं किया, क्या खाया वगैरह। तो हमने स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम तक वीडियोस भी डालते रहे, लेकिन फिर हमने सोचा कि थोड़ा बीच में सस्पेंस रहने के चक्कर में हमने डिले कर दी थी कोई वीडियो, हमने डालना बंद कर दिया कि अपना सस्पेंस। सो गाइस, सरप्राइज था जो, वो हमने रिवील कर रहे हैं हम अपना। और आपको बताते हैं कि प्रीत बताएगी कि ये क्या डाइट ले रही थी, क्या एक्सरसाइज कर रही थी और क्या था जिसपे आप कर सकते हो। तो हाउस वाइफ इसको ज़रूर देखो। तो प्रीत बताओ क्या क्या आपने खाया, क्या डाइट थी और क्या। पहले मैं अपनी डाइट बताती हूँ। मैंने डाइट में सिर्फ मॉर्निंग में बहुत कम, लोगों ने कहते ना कि पोहा खाओ, अपना ओट्स खाओ, ये सब, मैंने ये सब चीज़ें नहीं खाई हैं। मैंने सिर्फ नॉर्मल रोटी खाई है बिना ऑयल के। प्रॉन्टीज बंद कर दी थी, फुल्का लेती थी नॉर्मल, वो भी कभी एक ले लिया कभी दो ले लिया। हो कि पहले मैं प्रॉन्टीज खाती थी, मैंने वो बंद कर दी बिल्कुल। तो मुझे वो छोड़ने के लिए बहुत टाइम लग रहा था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, इतनी भूख लगती थी 2 घंटे के बाद ही, क्योंकि एकदम से छोड़ना सब कुछ, तो बहुत दिक्कत थी मेरे साथ। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल 2 फुल्के से स्टार्ट किया था, 2 फुल्के और सब्जी मॉर्निंग में बनाती थी वो। उसके बाद मैंने दोपहर में कुछ भी नहीं, 2-2 घंटे के बाद लोग खाते, मैंने नहीं खाया। मैंने सीधा लंच किया। मैंने लंच में भी सिर्फ वो 2 या 3 चपाती लेनी और सब्जी नॉर्मल या दही के साथ ले लेना बस। इवनिंग में मैंने 5-6 बजे मुझे हल्का सा कुछ भूख लग रही, तो चाय के साथ मैंने रस ले लिए या बिस्किट्स ले लिए 2-3, बस इतना खाना। रात में मैंने सिर्फ ओनली सैलड खाया मैंने, फिर उसके अलावा कुछ नहीं खाया। या फिर कभी कोन खा लिया, कभी पपीता खा लिया, ये सब चीज़ें मैंने रात में ली हैं। ये मेरी डेली की डाइट थी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके मैंने। लेकिन नाइट की जो मील है आपको लाइट करनी है बिल्कुल ही। तो मेन इसकी डाइट की वो है, क्या कहते हैं, आपको डाइट जो अपना रखना है वो नाइट का जो खाना है वो आपको लाइट करना है, या स्किप कर दो। लेकिन स्किप मत करो आप, मैं ये सजेस्ट करूंगा। मैंने गलती करी, राइट नाउ बताती हूं, मैंने स्किप किया। स्किप नहीं करना, लाइट रखो। मैंने स्किप किया और जिसकी प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी अब आनी शुरू हुई, वो क्या कि मुझे अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा खाना, क्योंकि मेरा थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, जो मुझे कभी लाइफ में नहीं हुई थी। इतनी हेल्दी हो गई थी मैं, कभी मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हुई। सबको होती थी, सबको होती थी, सबको होती है, मुझे नहीं होती है। बट अब रियलिटी मैंने 1 मंथ स्किप किया ना खाना, उसकी वजह से मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अब मैं खाना खाती हूँ ना नाइट में, हल्का सा भी लेती हूँ, चपाती कुछ भी लेती हूँ, तो मेरी टमी में पेन शुरू हो जाता है। मुझे खाना पचता नहीं है, मैं बहुत प्रॉब्लम। तो नाइट का स्किप मत करो, लाइट रख लो आप, बट स्किप मत करो। ये गलती मैंने करी थी, आप मत करो। 7:30-8 बजे से पहले खा लो, बट खा लो, हल्का फुल्का ले लो। ऐसे फ्रूट्स ले लिए, सैलड वगैरह ले लिया, या पपीता ले लो, पपीता बहुत अच्छा है रात के लिए। चपाती तो बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि रात को आप लोगों ने खानी ही नहीं है। तो मैंने वही ना खा के अपना वेट लूज किया था, तो वही कर रही हूँ। अभी मैंने बंद नहीं किया है, मैं आगे भी कंटिन्यू कर रही हूँ। बट ज्यादा 90 डेज का चैलेंज था मेरा। वॉक कोशिश करो, वॉक करो, वॉक से काफी फर्क पड़ता है, बहुत होता है। मैं रनिंग नहीं कर सकती, तो मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि मैं रनिंग नहीं करूँगी। मैंने रनिंग स्टार्ट कर, मैं कहा मैं रनिंग नहीं कर सकती, मैं वॉक करूँगी। मैं वॉक करती हूँ मॉर्निंग आधा घंटा, इवनिंग आधा घंटा, रोज का है मेरा। पहले ये तो पहले मैम वॉक करने जाती थी, तो हार्डली 15-20 मिनट्स पे इनकी हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि वेट ज़्यादा था। तो धीरे धीरे जैसे वॉक करना स्टार्ट किया इन्होंने, तो अब ये कम से कम ऑफिस भी काफ़ी, मैं इनको छोड़ता हूँ सुबह, ऑफिस ड्रॉप करता हूँ आधे रास्ते तक, तो वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है वो, ये वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वो करती है। और शाम को ही फिर वॉक से आती है, तो मतलब 3 से 4 किलोमीटर पैदल वॉक करती है अभी। तो इनको इतनी एनर्जी है कि इनको ये होता है कि कोई नहीं पैदल चल लूंगी, लेकिन मेरे जैसे को अगर आप पैदल कहोगे इतना चल रहा तो भैया मैं सीधा नहीं चलती थी। मैं पहले हर टाइम ऑटो या रिक्शा मतलब फटाफट वो लेती थी कि नहीं यार मेरे बस का नहीं चलना वरना। बट अब मुझसे होता है कि जितना मुझसे पैदल चलवा लो मैं उसमें ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं उसमें घबराती नहीं हूँ वॉक करने से। वॉक जितनी ज़्यादा हो सकती है वॉक करो, वॉक से रियली वेट वो होता है लूज होता है। मैंने बहुत किया है इस टाइम पर क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेशन वॉक से ही मिली है सबसे ज़्यादा, और कुछ डाइट कंट्रोल करने से कुछ इनका सहारा कि कुछ कर करके नहीं तो होगी हो जाएगी एक दिन तो होएगी। सो मेरी मेहनत अभी चल रही है और मैं पूरी कोशिश है कि अच्छे से और वेट लूज करूँ जहाँ मैंने इतना किया है। तो अब इन्होंने जो वेट लूज किया वो बताएंगी मैडम। बताओ मैडम कितना वेट लूज किया है? 6 kg मैं 6 kg लूज कर चुकी हूँ 90 days में। 6 kg बहुत अच्छा है। घर पे विदाउट एनी जिम वगैरह तो ये है कि कोई बाहर जाना नहीं पड़ता। हाँ बहुत मैंने मतलब बहुत क्रेविंग हो रही थी ना मुझे, तो मैंने कभी कभी इनको बोलना कि प्लीज़ एक मोमोज खा लो, वो इनकी परमिशन से एक मोमोज खा लो, तो मेरा ऐसा रहता था। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे एग्री करते थे कि हाँ चल एक ले ले, कोई बात नहीं, देखो इतनी क्रेविंग हो रही है, इतना मैंने किया है तभी तो जाके 90 days रियली मैंने किया है। मैं छोड़ नहीं पाती थी फास्ट फूड वगैरह, मैंने छोड़ा है। मम्मी घर पे आती थी, ये लोग रखते थे मेरा, सब खाते थे, तो मुझे गुस्सा आता था कि यार सब मेरे सामने खाते खाते कि ये भी मेरे सामने ही मोमोज खाते थे, तो मुझे बहुत गुस्सा था। मैंने बहुत कंट्रोल किया, काफ़ी कंट्रोल किया इन्होंने बिकॉज मेरी थेरेपी है, तो मुझे भूख बहुत लगती थी और लगती है अभी भी। मैंने बहुत कंट्रोल किया है क्योंकि थायराइड वालों को भूख लगती है ज़्यादा, तो वो तो जिनको थायराइड है वो भी समझ सकते हैं कि हाँ, कंट्रोल करना पड़ता है। मुश्किल से किया है और अभी भी कंटिन्यू वैसे चल रही हूँ। मैं अपनी डाइट भी ऐसे रखी हुई है, सब कुछ ऐसा है। कभी कभी क्रेविंग होती है तो थोड़ा सा कर लेती हूँ उनके साथ, थोड़ा बहुत तो खिला देते हैं। बाकी मैंने 6 किलो कम किया है, तो प्लीज़ आप लोग भी कर सकते हैं घर पर बैठ कर। अब मैं वर्किंग को तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है कि मैं अपना एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। मैं जनरली बता रही हूँ आपको कि मेरी अब एक्सरसाइज स्किप हो रही है क्योंकि टाइम नहीं लग पा रहा है मेरे पास। अब मैं नेक्स्ट मंथ से पूरी कोशिश है कि आपको कुछ और नया दिखाऊंगी अपने वेट में, पूरी कोशिश है। बाकी देखते हैं, है ना? बिल्कुल। चलो फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है हमारी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ना भूलें। प्लीज़ शेयर भी कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।